सारे मिलके तीनों जने। मेरा ना दो दिन से मन हो रहा है ब्रेड टोस्ट खाने। 8 सैंडविच बने हैं। सेकंड मेरा ये देखो जल गया। ये देखो मेरा सैंडविच। चलेंगे घूमने के लिए पक्का पक्का। तो ये देखिए दोस्तों हमारे समोसे। सॉस हमारा खत्म हो गया। मतलब जैसी की तैसी पड़ी है सारी। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज तक हमारे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जल्दी स्टार्ट करते हैं। आज कल लोग दोपहर के बाद गए हैं। दो देखिए आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। ये रहे हमारे आलू जो हमारे बॉईल हो रहे हैं, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी सैंडविच। ये सैंडविच ना भुवनेश की फरमाइश पे बन रहे हैं। मेरा ना दो दिन से मन हो रहा है ब्रेड टोस्ट खाने का, तो बनाया ही नहीं मैंने। तो आज हसबैंड से पूछा, हसबैंड जी आज फिर से घर पे ही हैं, तो इनसे पूछा, इन्होंने बोला कि आज बना लो फिर आप, अगर आपकी मन है तो मैं आज बना रही थी, पर भुवनेश स्कूल से आया अभी अभी और भुवनेश ने आके बोला कि ब्रेड टोस्ट मत बनाओ, मैं ब्रेड टोस्ट नहीं खाऊंगा, आप सैंडविच बनाओ, सैंडविच खा लूंगा। तो क्या करें, अब बच्चों ने बोला है तो बनाना ही पड़ेगा। तो इनके लिए मैं सैंडविच बना दूंगी, पर अपने लिए मैं ना ब्रेड टोस्ट एक या दो ज़रूर बनाऊंगी। तो देखिए मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। ब्रेड हमारी आ गई है। ब्रेड को मैंने ना खोल भी दिया है। ये देखो आलू भी हमारे बॉईल हो ही गए होंगे, इसलिए मैंने इसको भी ऑफ कर दिया। और सबसे पहले मैं ना इसकी तैयारी कर लेती हूँ, इसकी तैयारी मतलब सैंडविच की तैयारी कर लेती हूँ। सैंडविच की तैयारी करने के लिए जैसे कि आपको पता ही है कि टमाटर काटने होंगे हमें, प्याज काटने होंगे हमें, खीरा भी डाल सकते हैं हम काट के, और क्या डलता है उसमें, टमाटो सॉस चाहिए। टमाटो सॉस का हमारे पास ये पाउच है छोटे वाला। और क्या चाहिए उसमें, और क्या होता है, आलू है। आलू का मैं मसाला तैयार करूँगी अभी सैंडविच के अंदर डालने के लिए, और वही मसाला जो है मैं अपने ब्रेड टोस्ट के अंदर डालूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। और भुवनेश को नींद आ गई क्या? हो गया वो। सारे हेलो बोलो। हेलो गाइस। कृष्णा क्यों झुकने का, तो मैंने बोला ही नहीं, सिर्फ हेलो बोला है। ये देखो हमारे आलू बॉईल हो गए हैं अच्छे से, दिख रहे हैं क्या? ये देखिए दोस्तों, तैयारी मेरी सारी हो गई है। अब बना लेते हैं अपने सैंडविच। उसके लिए मैंने पैन को, ये जो तवा होता है ना, इसको रख दिया है, और इस ब्रेड पे लगा दिया है मैंने आलू। और ये देखिए आलू भी मैंने रख दिया है। और ना मेरा ना वो जो क्या बोलते हैं उसको, टमाटो सॉस की जो प्यूरी होती है ना, वो मेरी रेडी नहीं है, इसलिए मैंने उसको सबसे पहले डाला कटोरी के अंदर, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको थोड़ा सा ना पतला कर लिया ताकि अच्छे से ब्रेड पर लग जाए। ये तो ये देखिए मैंने एक सैंडविच मैंने रख दिया है रेडी करके। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, एक के ऊपर रख दिया है हमने ब्रेड पे आलू, और एक ब्रेड पे लगा दिया है मैंने ये टमाटो प्यूरी, और फिर टमाटर और प्याज रख के हमारा सैंडविच हो गया है रेडी। तो देखिए दोस्तों मैंने एक बार इन तीनों को ना एक एक दे दिया है, और अभी ये मेरा सेकंड बन रहा है जो कि ये देखो ये रहा, और इसके बाद ना सिर्फ एक है। ये देखिए मतलब एक पैकेट के अंदर कितने सैंडविच बने, 8 सैंडविच बने हैं। और इनसे सबसे इसका रिव्यू ले लेते हैं कि कैसे बने हैं। झूठी तारीफ बिल्कुल मत करना, जिसको जैसे लगा वो वैसे सच सच बताना, ठीक है ना? तो कैसे लगे आप सबको? अच्छे थे। और नहीं मिलता चल झूठ।
एक एक खा चुका है। आपको कैसा लगा? टेस्टी था। टेस्टी अच्छा बना? मस्त ही बनाती है तुम। टेस्टी नहीं था, यम्मी था। यम्मी था, टेस्टी अच्छा यम्मी। ये देखो, ये हमारा रियल रिव्यू मिला है इनसे, इनको पसंद आया। मैंने टेस्ट नहीं किया और मेरे लिए बच्चा भी सही ना। जल्दी लाओ और चाहिए। तो ये हमारे बन तो गए हैं, ये जलने लग गया। मैं 2 मिनट उधर बात करने चली गई। हाँ, तेज गैस ही था। उधर बात करने चली गई तो एक तो ये साइड अच्छे से बन गया, पर सेकंड मेरा ये देखो जल गया। ये देखो बस इतना सा सिकना होता है इनका। तो मैं वहाँ पे चल गई थी कि तेज गैस करके, तो ये सारे मेरे जल गए। चार जल गए, चार चढ़ा के आई थी मैं। अब ये मैं टेस्ट करती हूँ कि कैसा है। टेस्टी है। ऐसा करता हूँ, इसे मैदा मंगा ले, बच्चों के समोसा बनाते हैं। वो गैस पे एक और पड़ा है, वो ले ले जा, वो जल जाएगा वरना। इसके अंदर प्लेट ले जा। तू थैली लेके आना इस बार। मैं लियो है ना भैया, मैदा लेके आना। सामने वाले शॉप से मिलता है, यही से ले आना इसे। ये लो जी, मैंने खा लिया। अगर मैं भैंस के समोसे खाते ना भी बोला था ना मैं लेने से पहले ही। लाने के बाद में ब्रेड बोला तूने, तो ब्रेड तो मेरी ब्रेड टेस्ट में काम आ जा। तू अपना मसाला पड़ा रहा, एक सैंडविच और बना लेते रहता। ये देखो मेरा सैंडविच कुछ इस तरह का। ये लास्ट ब्रेड बची थी नीचे वाली। 3 बजने ही वाले हैं। मेरा मन था कल आप तो कहीं लेके नहीं गए, तो आज आप घर पे हो, कल आप लग जाओगे अपने काम पे, ड्यूटी पे। तो मैंने सोचा था आज घर पे ही हो, खाना खा के टाइम से आज चलेंगे घूमने के लिए। पक्का छोड़ देंगे तेरे को। पर आपने तो 3 बजा दिए। मैंने बजा दी, मारो। मैंने बजा दी, मारो सूट। सूट लेके आतो, इसना पापा का मारते हैं सारे मिलके तीनों जने। बाद में करेंगे पापा के पेट में बिलगुलिया। बिलगुलिया करेंगे पापा के पेट में। ये लो जी, मैदा हमारा आ गया है। भुनेश ले आए। इसके अंदर अब डाल लेते हैं मैदा सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले गूंद लेते हैं आटा, उसके बाद आपको फिर से मिलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे समोसे तैयार हो गए हैं बनने के लिए। इतने मैंने बना लिए। ये देखो इतना आटा मेरा बच गया, क्योंकि ना मसाले ही खत्म हो गया। तो ये देखिए हमारे ये बन रहे हैं। और किचन की हालत इतनी खराब हो रखी है, ये देखो सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। ये सेल्फ भी तो छोटी है ना। और भुवनेश कृष्णा ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं। बैट बॉल नहीं, गेंद खेल रहे हैं। कैच क्या? हाँ, कैच खेल रहे हैं। ये देखो, और ये देखो, ये हमारा बच गया है। सॉस हमारा खत्म हो गया। तो कितने हैं हमारे पीस? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 पीस है। दोस्तों घर के समोसे इतने स्वाद है, मतलब इतने टेस्टी है कि क्या बताऊं आपको। नहीं पापा, तो उतना ही भाया ना। क्या हुआ भाई? दोस्तों गरम है ये। टुकड़े करके रख ले, 2-3 टुकड़े करके रख, मुंह जल जाएगा ना अभी मिनटों में। इसके अंदर से खाते हैं लगा के, थोड़ा सा बड़े गरम है। कैसे देखी समोसे घर के बने हैं, बाहर के तो नहीं खा पाता, लेकिन घर के दौड़ता तो नहीं। दोस्तों शाम के हो गए हैं 6, और मेरी आंखों से आपको ना देख के पता लग ही रहा होगा कि मैं आधे घंटे के लिए ना सो गई थी। मैं अपना ना वीडियो एडिट कर रही थी, और वीडियो एडिट करते करते मेरे को ना नींद आने लगी, आंखें भारी हो गई। ज़्यादातर मेरे साथ ना यही होता है, जब भी मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना, तो मेरी उसके कारण ना आँखें भारी हो जाती है। फिर मेरे को ना आधा एक घंटे के लिए मैं सो जाती हूँ, फिर वापस से उठ के अपना वीडियो एडिट करती हूँ। तो अभी ना 6 बज गए हैं, 6 बजे मैं आधे घंटे की नींद ली है मैंने, आधे घंटे की नींद लेके अभी मैं उठी हूँ। मेरे को लगी है प्यास, अब मैं ना पानी पी लेती हूँ। किचन ना ऐसी की तैसी पड़ी है, मतलब जैसी की तैसी पड़ी है सॉरी। और बर्तन भी मेरे इकट्ठा हो रखे हैं, उसको भी मैं ना अब धोऊंगी। अब ना शाम का खाना बना के दूंगी, क्योंकि आपको पता है दोपहर को मैंने ना भारी खाना बनाया है, मतलब समोसे बनाए हैं। तो इसलिए हसमन जी ने कहा है वो खिचड़ी बनाने के लिए, तो मैं खिचड़ी बनाऊंगी अभी। अभी शाम का हमारा खाना ना खिचड़ी होएगा। और ना मैंने जो समोसे बनाए थे ना, उसके ना वो बच गए थे आटा, वो थोड़ा सा मैदा बच गया।
मरा, तो उसकी मैं ना मट्ठी या फिर मटर बोलते हैं ना वो बनाऊंगी, मैदे के मटर मट्ठी, ताकि सुबह चाय के साथ ना नाश्ता हो जाएगा हमारा। तो चलिए पानी पी लेते हैं, सबसे पहले मेरा ना जीभ सूख रहा है। ये देखो दोस्तों हमारे मटर बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये देखो दोस्तों ये हमारे तैयार हो गए हैं ये मटर। ये देखे इतना मटर बनाया है मैंने परात भर के, और मेरा काम भी सारा फ्री हो गया, और अभी खाना बाकी है तो ये सारे खाने खाएंगे। ये देखे बेड में लेटे हुए हैं। तो आज का वीडियो करती हूँ यहीं पे समाप्त। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को और प्रेस कर लो। मिलते हैं कल आपको एक नए वीडियो के साथ।